जैन सभी को, मैं प्रेमजीत सिंह आज आपसे कुछ बात करने आया हूँ। और कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर आई है कि जो 10th CBSE है और 12th CBSE, तो CBSE के जो बच्चे हैं उनके लिए एक छोटा सा गुड न्यूज़ कहिए। बच्चे निराश ना होंगे जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की थी, आगे बहुत से परीक्षाएं देने की आपको मौका मिलेगा। लेकिन अभी जैसा पेंडेमिक्स है और मौत का तांडव, और मैं छत्तीसगढ़ में हूँ और मैं दुर्ग भिलाई से हूँ, तो आप यकीन मानिए कि हम अपनों को रोज़ खोते जा रहे हैं। और सबकी ज़िंदगी में इतने नकारात्मक पहलुओं ने घर कर लिया है और एक डर के माहौल में जी रहे हैं, उसमें हमें वेलकम करना चाहिए कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इनकी मीटिंग थी और इनके बाद इन्होंने ये फैसला लिया है कि जो 10th CBSE के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा क्लास 11th में बिना किसी एग्ज़ाम के, यानी कि आपके एग्ज़ाम्स अब कैंसिल हो जाएंगे। और जो क्लास 12th है उस पर जो डिसीजन है, फाइनल डिसीजन, वो लिया जाएगा 1 जून को। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ टैच भी किया हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि जो परीक्षाएं हैं 10वीं कक्षा की वो क्या कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं, और जो 12वीं की है वो फिलहाल स्थगित की गई है। 10th वालों को 11th में ला दिया गया है और 12th वालों के साथ जो डिसीजन होना है वो 1 जून को डिसाइड किया जाएगा, जो कोविड है ठीक इसके माहौल को देखते हुए। और अगर एग्ज़ाम होंगे, अगर 12th के एग्ज़ाम होंगे, जिसके बहुत कम आसार नज़र आ रहे हैं जिस तरीके से ये महामारी फैलते जा रही है, अगर वो एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चों को 15 दिन पहले बता दिया जाएगा कि हाँ आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी बहुत बहुत कम है, अब साफ तौर पे ये नज़र आ रहा है कक्षा 10वीं के एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया है और जो 12वीं के एग्ज़ाम्स हैं उनको पोस्टपोन किया गया, स्थगित किया गया है। तो बच्चों, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा डिसीजन माना जाएगा गवर्नमेंट का, विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के फेवर में। और जैसा कि हैशटैग कैंसिल बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 चल रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग ये जितने लोगों ने प्रयास किया उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है कि हम परीक्षा से बच गए, हमें बस इस बीमारी से बचना है, इस वजह से ये निर्णय लिया गया है और हम सभी इसका स्वागत करते हैं। आप सभी घरों पर रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, परिवार में रहते हुए कुछ अच्छे काम कीजिए, छोटे मोटे प्रोडक्टिव जो आपके माइंड को रिफ्रेश करें, इस तरीके का नॉवेल्स को पढ़िए खाली समय है तो। और काफ़ी 12th वाले आप अपने सिलेबस को और रिवाइव कीजिए, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपके मेंस के और नीट के भी एग्ज़ाम्स हैं और आपके भी कैरियर्स हैं, तो आप इन सब चीज़ों में ना पढ़ें। बाकी थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखिए। छत्तीसगढ़ के माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो विद्यार्थी हैं तो उन्हें पता है कि उनकी भी मतलब कक्षा 10वीं की जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित की गई थी और उसका कोई भी दिनांक निर्धारित नहीं है। जैसा कि CBSE का फैसला आया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ये तय किया है कि वो एग्ज़ाम्स को नहीं लेंगे, नहीं कंडक्ट करवाएंगे, प्रमोट करेंगे, तो इसको देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि जो कक्षा 10वीं की परीक्षा है हमारे यहाँ स्टेट बोर्ड में, इसे भी प्रमोट किया जाएगा। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, मैं निश्चित तौर पर ये नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसी कुछ बातें सुनने में आ रही हैं। साथ ही साथ जो कक्षा 12वीं के जो बोर्ड्स के विद्यार्थी हैं सेम CBSE के पैटर्न पे, उनका भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और ये कब होगा, फिलहाल ये अभी जो कक्षा 12वीं के जो विद्यार्थी हैं परेशान होकर पूछ रहे थे सर हमारा क्या होगा क्या होगा, तो देखिए अभी आपका भी स्थगित होगा ये तय नज़र आ रहा है। अभी किसी में कहीं से भी किसी भी तरीके से परीक्षाओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा सकता है, अभी कैसे भी सब लोग सर्वाइव कर लें। मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मैंने पिछले 3 दिनों में अपने 3 से 4 दोस्तों को खोया, करीबी दोस्तों को खोया है। तो ऐसे में पढ़ना पढ़ाना ये सब चीज़ें सोच पाना ये एक काफ़ी भयावह है। और ऐसे में परीक्षाएँ तो बिल्कुल नहीं होंगी, तो स्थगित ही होंगी। 12वीं की परीक्षा कब होगी ये देखने ये सोचने का विषय है, लेकिन एक सकारात्मक पहलू बनाए रखिए, आप तैयार रहिए, शिक्षा है कभी भी काम आएगी। और आज भीमराव अम्बेडकर जी का चूँकि जन्मदिवस है और वह हमारे विधि निर्माता हैं, तो उनको भी याद करते हुए मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सब लोग डर के माहौल में जी रहे हैं, दवाइयाँ भी खत्म हो रही हैं, इसका कुछ असर नज़र नहीं आ रहा है।
आप सभी सकारात्मक पहलू बना के रहिए, घरों पर रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद सभी को।